इस मैट को बनाने के लिए हमें इस तरीके से जूट चाहिए, तो हम ये जूट से मैट बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। और हमें क्या चाहिए, इस तरीके से देखिए मैंने फ्रेम बनाया हुआ है, तो ये लकड़ी का पीस पड़ा था मेरे पास, उस पर बनाया है। अगर आपके पास कोई लकड़ी का बोर्ड है प्रॉपर, ज़रूरी नहीं है कि बीच में से वो इस तरीके से स्पेस हो, अगर पूरा लकड़ी का बोर्ड है, कोई पुरानी टेबल है उस पर भी आप इस तरीके से कीले लगा सकते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये हाफ हाफ इंच के डिस्टेंस पे मैंने कीले लगाए हैं और यहाँ से अप्रॉक्सीमेट डेढ़ डेढ़ इंच का डिस्टेंस छोड़ के फिर कीले लगाना शुरू किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना बड़ा आपने ये मैट बनाना है उतना बड़ा इस तरीके से आपको कीले लगा के, या कार्डबोर्ड पहले भी इस तरीके से जूट वाला धागा लिया, इसे हमें पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसे लपेटना है। सिंपल नॉट कीजिए, कील में डालिए और इसे पूरा लपेट लीजिए। 1 और 2, फिर दूसरी कील में ले जाना है। एक कील में मैंने 2 बार लपेट लिया, फिर दूसरी वाली कील में ले जाइए। 1 2, फिर नेक्स्ट 1 2, फिर नेक्स्ट 1 2, फिर नेक्स्ट। इसी तरीके से यहाँ तक जो एंड वाली कील है इसे पूरा ऐसे लपेट, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसे पूरा लपेट लिया जूट से। अब हमें क्या करना है, जैसे ये लपेटा है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक सेम इसी तरीके से इसे लपेट लीजिए दोबारा से। नॉट लगा के शुरू करना है। इस तरीके से यहाँ से लेके एंड वाली कील तक इसे पूरा लपेट लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरा लपेट लिया। तो बेसिकली आपको क्या करना है, किसी भी कोई भी आपके पास इस तरीके से वुडन हो उस पर पहले चारों तरफ कीले लगा लेनी है, फिर ऐसे वाप और वेफ्ट में जूट को लपेट लेना है। अब हम इसे वीव करेंगे और अपना मैट तैयार कैसे करना है, यहाँ से इसे बाहर निकालिए जो हमने एक कील में लपेटा है और हम इसे पूरा वीव करेंगे। इसे निकाल लिया, अब वीव करने के लिए क्या करना है, एक छोड़ना है एक के नीचे से, फिर एक छोड़ना है एक कील में जितना लपेटा है आपने उसको छोड़ देना है, फिर दूसरी कील के नीचे से निकालना है। ये देखिए फर्स्ट वाली कील के मैं नीचे से निकालती हूँ और जो दूसरी वाली कील है उसके मैंने छोड़ दिए, उसकी जो नेक्स्ट कील है उसके नीचे से निकालना है। यहाँ से आपको दिखाती हूँ, क्लियर होगा। यहाँ छोड़ के फिर मैंने 4 छोड़ दिए दूसरे के नीचे से, उसके बाद फिर ये वाली कील वाले छोड़ के जो नेक्स्ट वाली कील है इसके नीचे से, मीन्स आपको एक कील के छोड़ने हैं और एक के नीचे से निकालने हैं। फिर ये छोड़ दिया और नेक्स्ट वाली कील के नीचे से, फिर ये छोड़ दिया और नेक्स्ट वाली कील के नीचे से, इस तरीके से। इसी तरीके से हम पूरा एंड तक इसे वीव करेंगे नीचे से। फिर ये 4 मैंने छोड़ दिए और ये जो नेक्स्ट वाली है इसके नीचे से। इस पूरी रो को इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। लास्ट वाले के नीचे और वापस इसे इसी कील के अंदर डाल दीजिए ऐसे। तो ये मेरी फर्स्ट रो पूरी वीव हो गई है। अब सेम इसी तरीके से सेकंड रो, इसे बाहर निकालिए,
इस टाइम आपको क्या करना है, वीव सेम इसी मेथड से करना है, एक छोड़ के एक के नीचे से, बस ऑल्टरनेट में करना है। लास्ट टाइम जिसके ऊपर से ये हमारा आ रहा है, इस टाइम इसके नीचे से निकालना है। पहले हमने फर्स्ट नीचे से लिया था, इस टाइम हम सेकंड वाले के नीचे से लेंगे ताकि ये हमारा वीव हो। ये इस तरीके से देखिए वीव हो रहा है। उसके बाद एक छोड़ दिया और जो नेक्स्ट वाला है उसके नीचे से, तो ये हमारा इस तरीके से वीविंग का पैटर्न आएगा। देखिए बस ऑल्टरनेट में रखना है, जिसमें पहले नीचे से निकाला है ये देखिए, इसमें पहले ऊपर से है ये वाला धागा जो आया था, इस टाइम इसके नीचे से। मेथड सेम वही, एक छोड़ के एक के नीचे से, फिर एक छोड़ा एक के नीचे से, इस तरीके से। इस पूरी रो को भी इसी तरीके, सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब सेम इसी तरीके से थर्ड रो, थर्ड वाली रो ली। बनाने का मेथड सेम है, एक के नीचे एक, इस टाइम इसके नीचे से था ये ऊपर आ रहा है, तो इस टाइम इस वाले के नीचे ऑल्टरनेट में लेना है। ये देखिए यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे की तरफ से निकाल लिया मैंने, यहाँ ऊपर है तो एक छोड़ के एक, इस तरीके से, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट वाले के नीचे से, कुछ इस तरीके से हमारा ये वीव होता रहेगा डिज़ाइन। फिर एक छोड़ के नेक्स्ट वाले के नीचे से, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट। तो ये देखिए जैसे जैसे हम बनाते रह रहे हैं हमारा इस तरीके से ये वीव होता रह रहा है। ये देखिए इतना मैंने वीव कर लिया तो ये इस तरीके से हमारा कुछ दिखेगा। ये देखिए बस इसी तरीके से हमें सारी रोज कंप्लीट करनी है, एक छोड़ के एक के नीचे से, बस ऑल्टरनेट में निकालते रहना है आपको, एक छोड़ के एक के नीचे से, और लास्ट में जब वीव हो जाए तो इसे कील में, पैटर्न इस तरीके से वीव होता रहेगा इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ एंड। ये देखिए जैसे जैसे हम वीव करते रहे ये हमारा पूरा इस तरीके से वीव हो गया। अब हमें क्या करना है, बीच में से सारा वीव हुआ हुआ है टाइटली अच्छे से, बस हमें इसे साइड से नॉट करना है और फ्रेम से अलग करना है। साइड से नॉट कैसे करना है, इस तरीके से कोई भी आपके पास ऊन हो, कोई भी कलर हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसे मैंने स्वेटर सिलने वाली सुई में डाला है, अब हम इसे नॉट करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे नॉट करना, यहाँ से नॉट करते हुए, यहाँ से करते हुए वापस हमें यहीं तक आना है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं नॉट कैसे करना है, एक वाफ्ट में है और एक ऐसे है, तो एक बार ऐसे और एक बार ऐसे क्रॉस में हमें इसे नॉट करना है। तो यहाँ से पहले निकाल दिया मैंने, इसे नॉट कर लिया। एक बार ऐसे किया, अब एक बार ऐसे, और इसे धागे को बीच में से निकाल, ये नॉट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेम, बीच में से निकाला ये देखिए, और धागे के बीच में से ऐसे, बेसिकली आपको इसे नॉट करना है। उसके बाद ऐसे कर लिया, अब एक बार ऐसे, ये भी नॉट हो गया। अब फिर से एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, तो यहाँ से एक बार ऐसे, फिर इसके बीच में से धागा, और एक बार इसे ऐसे, यहाँ से इसके बीच में से, और धागे को निकाल के नॉट। 1 2 3 सेम इसी तरीके से, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, यहाँ से इसे ऐसे लीजिए, ये देखिए इसके बीच में से ले रही हूँ मैं। उसके बाद धागे को इस तरीके से बीच में से निकाल दीजिए, तो ये एक बार नॉट हो गया। दूसरी बार मैं इसे यहाँ से ले ली इस वाले के नीचे से, और इसे बीच में से धागा निकाल के नॉट कर दीजिए इस तरीके से।
बस इसी तरीके से सारा नॉट करते हुए यहाँ तक वापस आना है, फिर हम इसे फ्रेम में से अलग करें। यहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ से पूरा नॉट करते हुए चारों कॉर्नर से मैंने इसे नॉट कर दिया, तो बीच में से वीव हुआ है और चारों कॉर्नर से मैंने इसे अच्छे से पक्के से बांध दिया है। अब हम इसे साइडों से कटिंग करके अलग कर लेंगे। बस अब आपको इसे कीलों में से अलग करना है, तो इस तरीके से कट करते रहिए और इसे पूरा चारों तरफ से कीलों में से अलग कर लीजिए कि मैंने इसे फ्रेम में से अलग कर दिया। तो ये इस तरीके से मेरा मैट बिल्कुल तैयार हो गया है। काफ़ी अच्छा थिकनेस आप काफ़ी अच्छी बनती है। ये देखिए यहाँ साइड में इस तरीके से, और ये बिल्कुल रेडी हो गया है मेरा मैट, बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। इस तरीके से आप जितने भी बड़े साइज़ में बनाना हो उतने बड़े साइज़ में बना सकते हैं।